गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आप सभी लोग का स्वागत है। नए लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो एंड तक देखना। दोस्तों, इस वीडियो में आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी वन का मेरा जो एग्जाम हुआ था, फेब में हुआ था 2021 में, उसका जो की है दोस्तों रेस्पॉन्स निकाला है, वो देखते हैं। दोस्तों, टोटल 39 पेजेस है, वीडियो एंड तक देखना, नए लोग सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों, मैंने एग्जाम यूट्यूब चैनल चलाने के लिए दिया था सीबीटी वन, जब 19 में फॉर्म भरा गया था उस टाइम पे मेरा आरबीआई में नहीं हुआ था। और अभी यूट्यूब चैनल चलाना है, रेलवे के एस्पायरेंट्स करोड़ों में होते हैं यहाँ, तो काफ़ी बड़ा एक ऑडियंस रहता है, तो डेफिनेटली रेलवे एनटीपीसी का एग्जाम को टारगेट करना इम्पोर्टेंट है। चलो, मेरा आर्य इंस्टीट्यूट में सेंटर था और मेरा दोस्तों इसमें 2 फेब का एग्जाम था। इसके अंदर इंस्ट्रक्शन थे करेक्ट मार्क का, करेक्ट क्वेश्चन का 1 नंबर, नेगेटिव मार्किंग थी 1/3। ठीक है, क्विकली जो है मैं फोकस करूंगा जीके और करंट अफेयर्स वाले क्वेश्चन पे। मैथ तो रीजनिंग तो काफ़ी बेसिक आता है यार इसमें, इनफैक्ट मैंने तो तैयारी भी नहीं किया था, प्रिपरेशन भी नहीं किया था। हिस्ट्री आया था इसमें काफ़ी, हिस्ट्री मैंने कभी पढ़ा नहीं था इतना ज़्यादा। भारतीय संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन मैंने पढ़ा था। कॉन्स्टिट्यूशन से दोस्तों आर्टिकल के सवाल आए थे, मैंने किए थे। इसके अंदर टोटल फ्रेंड्स 40 जीके के क्वेश्चन आए थे, 30 मैथ्स के आए थे, 30 रीजनिंग के आए थे। क्वेश्चंस मिक्स आते हैं, यानी कि कोई सा भी को भी आता है, सेक्शन वाइज नहीं आता रेलवे एग्जाम्स में यार। सबसे पहला सवाल है जो लोग आप सोल्व कर सकते हैं पॉज करके, मैं कुछ डिस्कस नहीं करने वाला। इजी क्वेश्चन था, 10th लेवल का मैथमेटिक्स था। मैंने दोस्तों टोटल 82 किए थे, 82 में से 78 सही है और 4 क्वेश्चंस मेरे गलत है, जो कि आई थिंक 2 तो रीजनिंग के गलत है और 2 जीके के, मेरे अंदाज़ा नहीं था, मैंने लगा दिया। मैंने काफ़ी कम अटेम्प्ट किया था क्योंकि मुझे पता है नॉर्मलाइजेशन एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। नॉर्मलाइजेशन आपको जॉब दिला सकता है, जॉब आपसे ले भी सकता है, दोनों ही चीज़ें प्ले करता है। तो इसलिए मुझे पता था कि नॉर्मलाइजेशन, अगर आप नॉर्मलाइजेशन आपको अवार्ड करता है, आपको बहुत ज़्यादा फायदा पहुँचाता है अगर आपकी एक्यूरेसी काफ़ी अच्छी रहती है, यानी कि आप 80 करके आओ, 3, 4, 5 से ज़्यादा गलत नहीं होने चाहिए। 80 में 5 से ज़्यादा गलत नहीं होने चाहिए आपके। तो दोस्तों आपके गलत है ना, 5 क्वेश्चन से ज़्यादा आपको गलत नहीं करना है तो आपको नॉर्मलाइजेशन बहुत ज़्यादा फायदा पहुँचाता है। तो आई थिंक मेरे को उम्मीद है कि मेरे कुछ मार्क्स बढ़ने चाहिए नॉर्मलाइज होने के बाद में, क्योंकि मेरे यानी कि 78 मेरे सही है, 4 गलत है, यानी कि एक आइडियल इतना। दोस्तों 3-4 तो गलत हो ही जाते हैं कोई भी एस्पायरेंट्स हो, क्योंकि एग्जाम प्रेशर भी रहता है, काफ़ी सारी चीज़ें रहती हैं वहाँ पे। तो दोस्तों अपन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन था एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटर आर इन द रेशियो 1, 3, 4, 7। तो एक ईजी क्वेश्चन था, इसमें कुछ डिफिकल्ट नहीं था दोस्तों, काफ़ी बेसिक मैथमेटिक्स था। दूसरा क्वेश्चन दोस्तों करंट अफेयर्स का आया था, साइक्लोन अम्फान हिट वेस्ट बंगाल इन मई 2020। थोड़ा पुराना करंट अफेयर पूछते हैं इसमें लोग, मतलब 6, 7, 8 महीने तक का देख लो। मई फेब में एग्जाम हुई थी, मई 2020 का है, तो बेओ बंगाल सेल साइक्लोन से कहाँ से ओरिजिनेट हुआ था। उसके बाद में ये तो यूपीएससी का सवाल आ गया, फ्रॉम वेयर हैव द वर्ड सत्यमेव जयते विच आर इंस्क्राइब्ड बिलो द नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया बीन टेकन। दोस्तों मुंड का उपनिषद से लिया गया, हिस्ट्री का सवाल है, टिपिकल हिस्ट्री का क्वेश्चन है। उसके बाद में विच प्राइम मिनिस्टर सेंड द क्रिप्स मिशन टू इंडिया 1942। हिस्ट्री का सवाल है, मैंने नहीं पढ़ा था, मुझे नहीं पता था ये, मिस्टर चर्चिल इसका आंसर है। उसके बाद में ओएमआर की फुल फॉर्म पूछी गई थी, काफ़ी इजी क्वेश्चन था दोस्तों। उसके बाद में एक मैथमेटिक्स का एलजेब्रिक एक्सप्रेशन आया था, इसको सोल्व करोगे ना तुम, ईजी भी कट रहा था, कोई दिक्कत नहीं था इसके अंदर। x+1 ऊपर बन रहा है, इधर नीचे है तो ये कट जाएगा बहुत ईजी। ये लास्ट में एक्सप्रेशन आ रहा था x+1/4, क्योंकि x यहाँ से आएगा और x+4 किधर से आएगा, x+4 आएगा ऊपर से। इजी क्वेश्चन था, एलजेब्रिक टिपिकल एसएससी वाले करते हैं वैसे। उसके बाद में दोस्तों क्वेश्चन था ये यूएन सिक्योरिटी काउंसिल से, देयर आर 10 नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ द यूएनएससी, दे आर इलेक्टेड बाई जनरल असेंबली फॉर ए पीरियड ऑफ, कितने साल के लिए उनको चूज किया जाता है। 2 साल का टेन्योर होता है, उस टाइम इंडिया को चूज किया गया था, इसलिए न्यूज में था, करंट अफेयर का सवाल हम कह सकते हैं। उसके बाद में IMF एंड वर्ल्ड बैंक, इनके हेडक्वार्टर पूछा था दोस्तों, टिपिकली हेडक्वार्टर पूछता ही पूछता है SSC। आपको हेडक्वार्टर वर्ल्ड 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 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से वो सब आपको पता होने चाहिए, कितने मेंबर्स हैं, बेसिक फीचर्स। उसके बाद में दोस्तों अगेन मैथ्स का क्वेश्चन पूछा गया था, बहुत ईजी क्वेश्चन था, 4 लोग इतने थे टाइम में कंप्लीट कर देते हैं। तो पूछा था कि कौन सा मतलब ज़्यादा टास्क टाइम ले रहा है, ऑब्वियसली सिंपल रेशियो, जो रेशियो ज़्यादा 4/5 वही ज़्यादा टाइम हो जाएगा। ईजी क्वेश्चन था, बेसिक मैथमेटिक्स का आया था 10th लेवल का। उसके बाद में रीजनिंग की कोडिंग, डिकोडिंग दोस्तों बहुत ईजी क्वेश्चन है, SSC का टिपिकल जो आता है वैसा है। उसके बाद कंप्यूटर का भी 4 से 5 सवाल देखे गए थे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आउटपुट डिवाइस, इसके अंदर इनपुट डिवाइस होता है यार, काफ़ी ईजी क्वेश्चन था। उसके बाद में नीति आयोग कब बना था, 1 जनवरी 2015। अगेन नीति आयोग काफ़ी बार पूछा जा चुका है, स्टैंडर्ड क्वेश्चन हो चुका है। उसके बाद में आया था व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ मरकरी, दोस्तों ये मैंने गलत कर दिया था, मुझे साइंस पढ़ के नहीं गया था मैं यार, काफ़ी सारे केमिस्ट्री के कॉमन नेम पूछते हैं और मैं भूल गया था। उसके बाद में पता बुक के ऑथर मालगुड़ी जो डेज है उनके लेखक कौन है,
आर के नारायण, बड़ी फेमस किताब है एसएससी वाले काफी बार पूछते हैं इसको, द वैल्यू ऑफ दिस। दोस्तों डेसिमल्स का क्वेश्चन है, इजी है, कोई दिक्कत नहीं, सिंपल आप करोगे क्विकली हो जाएगा, बेसिक मैथमेटिक्स आपको आनी चाहिए। तो ये इस टाइप एसएससी के स्टैंडर्ड है, डेसिमल के क्वेश्चंस को कैसे डील करना है, फ्रैक्स, ये सब आपको पता होना चाहिए। दोस्तों नंबर सीरीज का क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ ज्यादा टफ नहीं था। 2, 3, 4 और उसके बाद में डबल 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 और ट्रिपल और उसके बाद में 4 टाइम्स। उसके बाद में दोस्तों ये काफी अच्छा क्वेश्चन था जीके का, इस टाइप के क्वेश्चंस काफी दिए गए थे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। दोस्तों मुझे इतना आइडिया मतलब कंप्लीट पता नहीं था, लेकिन मेरे को बेसिक आइडिया था कि करेक्ट पूछ रहा है तो करेक्ट आपको एक फाइंड आउट। मुझे पहला वाला स्टेटमेंट पता था कि लोअर अर्थ ऑर्बिट में है, बाकी के मैं देखने की जरूरत ही नहीं, तो काम बन गया था क्वेश्चन में। उसके बाद में हु अमंग द फॉलोइंग स्पोर्ट्स पर्सन वॉन द हाईएस्ट नंबर ऑफ ओलंपिक गोल्ड मेडल्स इन स्विमिंग। दोस्तों एक करंट अफेयर का सवाल था, लेकिन मैं करंट अफेयर नहीं पढ़ रहा था, मेरे को नहीं पता था, माइकल फेल्प्स। उसके बाद में रीजनिंग का क्वेश्चन है, टिपिकल जो एसएससी पूछता है वैसा क्वेश्चन था, कुछ ज्यादा टफ नहीं था, तो आई थिंक एसएससी वाले एस्पायरेंट्स आराम से प्रैक्टिस करते हैं, एग्जाम में आप कर सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों अगेन एलसीएम का क्वेश्चन आया था, मैथमेटिक्स का स्टैंडर्ड क्वेश्चन था, कुछ ज्यादा दिक्कत नहीं थी, एलसीएम लो आंसर आ जाएगा। मैथमेटिक्स तो बहुत ही 10th लेवल का आया था, कुछ ज्यादा टफ नहीं था, जीके जरूर थोड़ा डिफिकल्ट आया था, जीके का अच्छा खासा लेवल था दोस्तों, इसीलिए आई थिंक कट ऑफ थोड़ा मतलब कम रहेगा इसमें, नहीं कह सकते हम लोग, अटेम्प्ट तो लोग के काफी कम रहे हैं कई लोग के। तो उसके बाद में अगेन दोस्तों एक रेक्टेंगल का स्टैंडर्ड क्वेश्चन है एसएससी, ऐसे क्वेश्चन पूछता रहता है, कुछ भी आप पेन पेपर लेके सोल्व कर सकते हो। इसके बाद में ट्रिगोनोमेट्री फेमस टॉपिक है एसएससी के लिए, रेलवे के लिए भी, 1 + tan a * 1 + tan b = 2, देन द वैल्यू ऑफ टेन ए प्लस बी, काफी इजी क्वेश्चन था दोस्तों। उसके बाद में आपको एक 1 + tan इसका फॉर्मूला पता होगा तो आप कर सकते हैं आराम से, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। द लाइन कैपिटल पिलर इज लोकेटेड एट सारनाथ यूपी। दोस्तों मैं पढ़ के गया था, हिस्ट्री का क्वेश्चन आ गया गया। अगला क्वेश्चन था, हु वाज द टीचर ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य, विष्णुगुप्त। मैंने यार हिस्ट्री के पढ़े नहीं था, मेरे काफी कम से कम 5-7 सवाल हिस्ट्री के रह गए जो मैं नहीं कर पाया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, फिर से हिस्ट्री का सवाल आ गया था, लेकिन ये आई थिंक मैं पढ़ के गया था और मैंने इसको कर दिया था, बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का आया था। उसके बाद में वेयर इज कान्हा टाइगर रिजर्व, मध्य प्रदेश में टाइगर रिजर्व से सवाल पूछा गया था दोस्तों। उसके बाद में अगला क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट द ग्रेट रन ऑफ कच्छ। देखो ऐसे क्वेश्चन आए थे, जीके का लेवल काफी अच्छा पूछा गया था बेसिकली। तो ग्रेट रन ऑफ कच्छ है दोस्तों एक खारे पानी की झील है, इट्स नॉट ए फ्रेश वाटर लेक, तो इनकरेक्ट बताना था, पहला बता दिया। अगले अगले जो ऑप्शन थे वो ऐसे ही दे रखे थे, कच्छी पीपल रहिंग कच्छ रीजन ऑफ फ्लेमिंगोस माइग्रेट टू नेस्ट इन लार्ज नंबर्स, इट इज ए साल्ट मार्श इन द थार डेजर्ट। आई थिंक फ्रंट पे लगा यार किसी है, वो पेपर बनाने वाले कॉपी किया है क्या। चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में देखो एक परंपरागत कृषि विकास योजना का यहाँ क्वेश्चन आया था, अपन जो बार बार अब पढ़ रहे हैं ना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट परंपरागत कृषि विकास योजना। मुझे नहीं पता था इसकी, में 2015 में लॉन्च हुई थी, अब मुझे डिटेल में पता हो गया इसके बारे में, बट ये अलग अलग फॉन्ट कैसे आए थे कि रेलवे वाले कॉपी पेस्ट करते हैं ना, अलग अलग जगह से लेते हैं ऐसे बनाते हैं यार। इट वॉज लॉन्च इन अप्रैल 2015, ये बात तो सही है। इसके अंदर इन 3 ईयर्स 2 लाख क्लस्टर्स विल बी फॉर्म्ड, गलत है। फॉलोइंग कंट्री हैज हॉस्ट द 2018 फीफा वर्ल्ड कप, रशिया। पुराने करंट अफेयर पूछते हैं रेलवे में, 1 साल तक के पूछते हैं यार, 1-1.5 साल के, तो थोड़ा इसमें लफड़ा रहता, काफी कम अटेम्प्ट होता था जीके करंट अफेयर, जीके में स्कोर करना थोड़ा डिफिकल्ट रहता रेलवे एसएससी में। उसके बाद सिंपल सिंपल इंटरेस्ट का सवाल है अगेन दोस्तों, ये प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन है, आप पॉज करके कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद में स्पीड ऑफ ट्रेन आर इन द रेशियो टाइम अमाउंट ऑफ टाइम टेकन बाय डिस्टेंस टू ट्रेवल सेम डिस्टेंस, सिंपल क्वेश्चन, फॉर्मूला बेस्ड है, रिवर्स हो जाएगा रेशियो, खत्म काम। उसके बाद में दोस्तों एलजेब्रा का क्वेश्चन आया था, इजी क्वेश्चन था, स्टैंडर्ड सवाल एसएससी का ऐसा आता है। उसके बाद इनइक्वालिटी का सवाल है, कोई टफ नहीं है, आराम से आप कर सकते हो, सी इज ग्रेटर देन ए, यहाँ से पता चल रहा है, एंड ए विद देन विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंक्लूडेड, सी इज ग्रेटर देन यहाँ से पता चल रहा है, अपने ई इज ग्रेटर देन यहाँ से पता चल रहा है, तो बस फोर्थ हो गया काम खत्म। कोडिंग डिकोडिंग आया था स्टैंडर्ड एसएससी का, पूछते हैं आइडेंटिफाई द लेटर पेयर, अगेन दोस्तों रीजनिंग का क्वेश्चन है, ईजी है, कुछ ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। हु अमंग द फॉलोइंग पर्सनालिटीज हैज बीन अवार्डेड द गांधी पीस प्राइज इन 2018 फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू लिटरेचर एजुकेशन। दोस्तों पुराना पूछा था, मैं तैयार नहीं कर गया, 2018 का पीस प्राइज मुझे याद,
मुझे पता था लेकिन आरबीआई के लिए पढ़ा था लेकिन मैं भूल गया था, रिवीजन नहीं कर पाया था, इसलिए मैंने टिक भी नहीं किया इसको, छोड़ दिया, छोड़ना पड़ा मजबूरी में यार। उसके बाद भी जो फॉलोइंग प्लैनेट्स रोटेट्स इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, मैं पढ़ के नहीं गया था, मैं नहीं करा, छोड़ना पड़ा। ये एसएससी में टिपिकल जो पूछता है क्वेश्चंस, ये आपको पढ़ के जाना पड़ता है। ये मेन वाला क्वेश्चन इजी क्वेश्चन था दोस्तों, कुछ डिफिकल्ट नहीं था, थोड़ा दिमाग लगाना था, लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर ये है, डिफिशियंसी ऑफ द व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेस कलर ब्लाइंडनेस एंड पुअर विजन। विटामिन, विटामिन से क्वेश्चन पूछ लेता कई बार एज साइंस। द हॉर्नबिल फेस्टिवल इज ए फेमस ट्राइबल फेस्टिवल, इट इज सेलिब्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया। नागालैंड के अंदर सेलिब्रेट करते हैं हॉर्नबिल फेस्टिवल, काफी मतलब फेमस फेस्टिवल है यार ये तो। पढ़ता आरबीआई के लिए लेकिन आगे रेलवे में काम। वेन डायग्राम क्वेश्चन, वेन डायग्राम क्वेश्चन भी बहुत ईजी था, तीन चीज दे रखी, स्विमिंग साइकिलिंग एक्सरसाइजेस, तो दोनों एक्सरसाइजेस स्विमिंग और साइकिलिंग। अगेन एक और वेन डायग्राम दिया गया था, और इस वेन डायग्राम को आई थिंक मैंने अटेम्प्ट नहीं किया था, मुझे कुछ डाउट हो गया था आई थिंक समथिंग। उसके बाद में मैथ का क्वेश्चन है सिंपल इंटरेस्ट बेस्ड, ईजी है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन, बहुत इजी क्वेश्चन था, इससे इजी तो क्वेश्चन कुछ था ही नहीं यार यहाँ पे। सिंपल अंडर रूट आपको आना चाहिए था, खत्म कहाँ, 15 का ये होता है, 15 से 15 कट गया, 14 से 14 कट गया, 22 से 22 कट गया, एक आ गया आंसर, कुछ देखना ही नहीं था, बिना पेन चलाए हो रहा था। द पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स इन द इक्वेशन इज सिंपल, आपको सिर्फ और सिर्फ एलसीएम लेना था, या फिर आप एक काम कर सकते हो, ये वैल्यूज दे रख के देख सकते हो, यहाँ पे इजी क्वेश्चन हो जाएगा आपको। वेयर इज द एनएसई हेडक्वार्टर, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज बोलो या बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बोलो, दोनों के दोनों ही मुंबई में स्थित है। अतुल बाईस दिस, ये भी परसेंटेज का क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन था, कुछ डिफिकल्ट नहीं था। वेंडर परचेजेस 500 में बेच के 550 में बेचता है, कितना इजी क्वेश्चन था, 10% परसेंटेज गया ना। उसके बाद में दोस्तों ये क्वेश्चन की बात करते हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा था, मैंने छोड़ दिया था इसको यार। उसके बाद में ये क्वेश्चन बहुत ही मतलब घुमा फिराने वाला था, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, ये क्वेश्चन ही गलत लग रहा था यार मतलब, तो आई थिंक इसको करना पड़ा था इस क्वेश्चन को। उसके बाद में है विच ऑफ द व्हाट इज द करंट सीक्वेंस ऑफ क्रॉप्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर प्रोडक्शन। देखो क्रॉप प्रोडक्शन का जो नाबार्ड पड़ रहा है ना, उधर भी आ गया था, सबसे ज्यादा वो राइस होता है, फिर वीट होता है, फिर कॉर्न सीरस होता है, पल्स रहता है, तो आपको बेसिक जो प्रोडक्शन का हर जगह काम आता है। फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, द फर्स्ट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज हेल्ड इन 1885, कहाँ पे हुआ था ये, बॉम्बे में हुआ था। स्टैंडर्ड इंडियन नेशनल कांग्रेस से काफी सवाल पूछता है एसएससी वाला, रेलवे वाला। वेयर इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कोरल रीफ फाउंड, ऑस्ट्रेलिया में है ना, ग्रेट बैरियर रीफ फेमस। फिर इसके बाद में बात करें हम लोग, विच अमंग द फॉलोइंग यूनिट्स यूज्ड टू काउंट द स्पीड ऑफ मॉडर्न प्रिंटर्स पीपीएम, पेज पर मिनट। विच ऑफ द फॉलोइंग डज द वर्ल्ड वर्क ऑफ लिंकिंग ऑल द एटीएम्स इन इंडिया, काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बैंकिंग सेक्टर इकोनॉमी से है क्वेश्चन। एनपीसीआई नेशनल जो फाइनेंशियल स्विच है उसके थ्रू करता है। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स प्रोविजंस ऑफ पंचायत एंड लोकल बॉडी गवर्नमेंट्स, लोकल बॉडी गवर्नमेंट्स से सब आर्टिकल 243 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो भारतीय संविधान है उसके आर्टिकल पूछा था काफी, तो उसके आर्टिकल्स मतलब पता होने चाहिए यार एसएससी और रेलवे वाले एस्पायरेंट्स को, मैं पढ़ के गया था इसको। पुलत वंशी इज ए डिस्टिंक्ट कंट्रीब्यूशन ऑफ विच भक्ति पोएट कबीर, मैं नहीं पढ़ गया था, मुझे नहीं आ रहा था, हिस्ट्री आ गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द लिस्ट अर्बनाइज स्टेट ऑफ इंडिया एज पर सेंसस 2011, देखो वापस पूछ लिया, सेंसस 2011 से काफी क्वेश्चन पूछे गए, सबसे लिस्ट अर्बनाइज की बात करते हैं तो हिमाचल प्रदेश है। उसके बाद में था फॉर सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, ये टिपिकल मैथमेटिक्स आ गया, जो द इंपीरिकल रिलेशन बिटवीन मीन मीडियन एंड मॉड, सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन में सब कुछ बराबर होता है। द वैल्यू ऑफ दिस अगेन डेसिमल पे आ गया, जिसको डेसिमल पता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, खत्म काम, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला बन रहा हो, और इसको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी बचा हुआ है, सिंपल फॉर्मूले एसएससी वाले जानते हैं इस क्वेश्चन को। द वैल्यू ऑफ दिस कुछ भी नहीं करना, बहुत सिंपल है, 4 12 16, 4 225, 15 15 प्लस 25 5, खत्म। उसके बाद में परसेंटेज वाला क्वेश्चन है दोस्तों, ये अगेन मैथमेटिक्स का रीजनिंग का क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। द काराकोरम पास, द माउंटेन पास विच लाइज बिटवीन इंडिया एंड चाइना इज इन द क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू, मैंने छोड़ दिया था ये, पढ़ के नहीं गया था मैं इसको यार, ये टास्क काम करने वाला आ गया, इजी क्वेश्चन था, कुछ दिक्कत नहीं था। विच
ऑफ द फॉलोइंग जीएम क्रॉप्स हैव बीन गिवन परमिशन टू बी लीगली कल्टीवेटेड इन इंडिया। काफी कंफ्यूज हो गया था मैं, इसलिए मैंने गलत लगा दिया उत्तर इसमें, यार कॉटन था इसमें। द वैल्यू ऑफ टेन, दिस इजी क्वेश्चन, टेन थीटा आपको पता होना चाहिए। ट्रिगोनोमेट्री के 3 से 4 सवाल पूछे जा रहे थे, तो आपको अगर बेसिक आप देख के जा रहे तो आपका काम हो जाएगा एग्जाम में। उसके बाद परसेंटेज का क्वेश्चन कुछ भी नहीं इस क्वेश्चन में, बहुत ईजी है यार। 60% 40% 32 दिस क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं। उसके बाद में है, तो डिविजन की बात करते हैं, तो ये डिविजिबिलिटी का था। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज रिलेटेड टू द थर्ड वर्ड इन द सेम वे एज द सेकंड वर्ड इज रिलेटेड टू फर्स्ट वर्ड। हिमाचल प्रदेश की बेसिकली विंटर के अंदर राजधानी होती है धर्मशाला, उसी तरह महाराष्ट्र की विंटर में होती है नागपुर। सिंपल क्वेश्चन, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं था, जीके से रिलेट किया था। आइडेंटिफाई द टर्म डज नॉट बिलोंग टू फॉलोइंग सीरीज, रीजनिंग का क्वेश्चन, एसएससी का टिपिकल क्वेश्चन। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंश्योर द एबोलिशन ऑफ टाइटल्स, आर्टिकल 18, संविधान के आर्टिकल पढ़ के जाना चाहिए थे लोग को, मैं काफ़ी अच्छे से रिविजन करके गया था। वट इज द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग एक्सप्रेशन, अगेन सिंप्लीफिकेशन जिसको आता हो ईजिली कर देगा, जैसे बोल रहा है वैसे कर दो बस आंसर आ जाएगा इसमें। एडिंग द फर्स्ट नंबर टू थ्राइस द सेकेंड नंबर, खत्म काम। पहले नंबर में दूसरे का थ्राइस जोड़ना है, 15 और 4 19, खत्म। 19 बन गए 6, ठीक है 19 और ये हो गया 18 और 19 37, खत्म काम। बस जैसे बोल रहा वैसे करना आपको मैथमेटिक्स में, रीजनिंग में। हैवी वाटर इज ए टर्म रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग, न्यूक्लियर पावर जनरेशन प्लांट्स में। काफी इजी क्वेश्चन था जिसको बेसिक आइडिया वो कर सकता था, रीजनिंग का अगेन दोस्तों एनालॉजी का क्वेश्चन। विथ रेफरेंस टू GPS, काफी डिफिकल्ट क्वेश्चन था, मेरे को पता नहीं था, स्टिल मैंने मैनेज कर लिया करेक्ट आइडेंटिफाई करने में। तो अगर बेसिक आइडिया आपको होता है जीके के टॉपिक्स का तो आप कर सकते हो, ऐसा मतलब SSC और रेलवे में हो जाता है। विथ रेफरेंस टू GPS विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इट हैज बीन डेवलप्ड बाय रशिया, करेक्ट पूछ रहा है, मतलब अपने को रशिया में तो गलत हो गया। इट्स फुल फॉर्म इज ग्लोबल प्लेसिंग सिस्टम, गलत, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम है। माउंटेन्स एंड बिल्डिंग ब्लॉक्स कैन एक्ट एज ऑब्स्टेकल्स टू GPS सिग्नल, आता पहाड़ियों में नहीं आता ना सिग्नल, सही बात है। आगे चलते हैं, x + y + z = 0, देन वाट विल बी द वैल्यू ऑफ दिस, बताओ भैया। अगर तुम इसका वो लोगे ना LCM तो नीचे तो xyz आ जाएगा, ऊपर होगा x³ y³ + z³ अपॉन नीचे xyz। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, दिक्कत नहीं है कुछ भी। उसके बाद में आगे चलो, ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन था, थोड़ा डिफिकल्ट, मतलब मैं प्रैक्टिस नहीं करके गया था, स्किप करने कर दिया मैंने। टू अमंग द फॉलोइंग मुगल रूलर्स ऑफ इंडिया गिव परमिशन टू ब्रिटिश टू एस्टैब्लिश देयर फर्स्ट फैक्ट्री इन सूरत, जहांगीर। काफी डिफिकल्ट सवाल था, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा था। विच गैस इज फाउंड इन सोडा वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सर, कार्बन डाइऑक्साइड। एवरी ईयर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स इज रिलीज, इट इज रिलीज बाय वर्ल्ड बैंक। देखो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स अगर पूछ लिया इसने। इसके बाद में दोस्तों बात करते हैं, इजी क्वेश्चन था, बेसिकली रो वाला क्वेश्चन है, सिंपल टिपिकल क्वेश्चन ये दोस्तों। टाइम स्पेयर डिस्टेंस का सवाल है, फिर डाटा इंटरप्रिटेशन आया था। डाटा इंटरप्रिटेशन में आपको दोस्तों मैथ्स के अंदर स्पीड बढ़ाने के लिए आपको बेसिक सिंप्लीफिकेशन ट्रिक्स जाननी चाहिए। सिंप्लीफिकेशन आप स्पीड जब ही बढ़ती है, जब आपको कुछ सिंप्लीफाई करना आता है आपकी स्पीड बढ़ जाती है ऑटोमेटिकली। और ये जो बार ग्राफ होते हैं, DI चार्ट्स होते हैं, इनमें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। आप स्पीड के लिए परसेंटेज, ये सब आपको फ्रैक्शन, ये सब आने चाहिए। उसके बाद पाई चार्ट बेस्ड था, तो पाई चार्ट वाला एक क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी इजी था, कुछ दिक्कत नहीं था। इंजीनियर जो सेगमेंट है उसके लिए एंगल पूछा था, तो टोटल कितना है 100%, 30% इंजीनियर है, तो 30% किसका, 360 का, 36 108, खत्म काम। आगे बढ़ो, उसके बाद बार चार्ट है, कुछ भी नहीं, बहुत इजी क्वेश्चन है। अगेन फ्रेंड्स वापस से बार चार्ट का क्वेश्चन था। उसके बाद हम लोग बात करते हैं, ये डायलॉग आंसर एक तरीके से रीजनिंग हम कह सकते हैं, वो क्या कहते हैं फ्रेंड्स, ये मेरा गलत हो गया, हालांकि एनालॉजी का रीजनिंग था ये। उसके बाद में ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, मैंने स्किप कर दिया था, प्रैक्टिस नहीं किया था मैंने।
उसके बाद में रीजनिंग का क्वेश्चन है एनालॉजी ऑड वन आउट। उसके बाद अगेन लॉजिकल रीजनिंग का क्वेश्चन था, स्टेटमेंट दिया एक्स डिड नॉट सॉल्व द इक्वेशन ऑन द ब्लैक बोर्ड विद ए चॉक, एजम्पशन से थे, दोनों इम्प्लिसिट नहीं है दोस्तों। तो उसके बाद में आगे ये मिसिंग जो नंबर है उसका सीरीज का क्वेश्चन था, इजी था। उसके बाद में एक और फिर से कोडिंग डिकोडिंग, टिपिकल जो एसएस में कोडिंग डिकोडिंग देखने को मिलते हैं वैसे वाले। उसके बाद में अगेन एक और चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग, चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग काफ़ी फेमस है। उसके बाद में ओड वन आउट, ओड वन आउट के लिए दोस्तों हट, बाकी तो सब आई थिंक बाकी समझ में नहीं आ रहा मुझे हट, लेकिन अलग लग रहा था मुझे, तो इंग्लिश नहीं आती यार, कोबेब डैन बोर बर रहे पता नहीं क्या चीज़ है क्या। उसके बाद में ये जो है ये वापस से नंबर ब्लैंक वाला। उसके बाद में ये जो क्वेश्चन है सिलॉक्स का, सिलॉक्स का क्वेश्चन थोड़ा अलग आया, कंक्लूजन अलग टाइप के ही थे यार, मतलब क्या बात, मतलब टिपिकल कंक्लूजन नहीं थे, काफ़ी अलग अलग कंक्लूजन है। और लास्ट क्वेश्चन दोस्तों वापस से मैथमेटिक्स का सिंप्लीफिकेशन आया। तो दोस्तों मैंने आपके साथ में जो मेरा जो 100 क्वेश्चन थे मैंने शेयर किए आर आर बी एन टी पी सी फेज वन के CBT 1 के, उसमें अंदर 40 GK आए थे, 30 मैथ्स आया था, 30 रीजनिंग का पेपर आया था। तो दोस्तों मैंने यूट्यूब चैनल चलाने के लिए ही एग्जाम मतलब दिया, अभी CBT 2 का भी दूंगा मैं चैनल चलाने के लिए। रेलवे काफ़ी करोड़ों में एस्पायरेंट्स है, तो रेलवे के एस्पायरेंट्स के साथ में शेयर करना उनके मतलब काफ़ी बड़ी ऑडियंस है। तो दोस्तों इसलिए मैंने शेयर किया आपके साथ में, आई होप आपको अच्छा लगा होगा वीडियो। मैथ्स और रीजनिंग को मैंने क्विकली मतलब मैं आप सबको पता है GK और करंट अफेयर्स के लिए ही कवर करता हूँ मोस्टली। मैथ्स और रीजनिंग दोस्तों मैं प्रिपेयर भी नहीं कर गया था उस टाइम, ऐसे बिना प्रैक्टिस गया था, तो जितना हुआ हो गया था। GK करंट अफेयर्स में मतलब टारगेट था मेरा, हालांकि मैं बिल्कुल भी तैयारी नहीं किया था पिछले 5-7 महीने, RRB के रिजल्ट के बारे में तक पढ़ नहीं रहा था, ऐसे ही चला गया एग्जाम देने। CBT 1 तो क्वालिफाइंग है, बाद में देख लेंगे जस्ट। तो आई होप आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा, काफ़ी फायदा हुआ होगा दोस्तों। नए हो चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर भी कर देना दोस्तों। वीडियो एंड करता हूँ दोस्तों, जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम, पढ़ते रहिए CBT 2 के लिए अच्छे से तैयारी में जुट जाइए।